हेलो फ्रेंड्स, हाय, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए आज बनाते हैं मसाला डोसा। मसाला डोसा बनाने के लिए हम लेंगे 3 कप चावल, 1 कप धुली उड़द की दाल। और देखिए, अच्छे से इसको मेजरमेंट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद इसको धुल के रात भर के लिए सोक करना है, अपने को भिगोना है रात भर के लिए। उसमें मेथी दाना भी डाल दीजिएगा, आधा चम्मच, छोटा चम्मच से। और जब दाल सुबह देखिए फूल जाएगा अच्छे से भिगोने के बाद, उसके बाद उसको पीस लेंगे। अच्छे से पीस लीजिएगा, बारीक एकदम। देखिए अच्छे से एकदम बारीक पीसा हुआ है। फिर उसके बाद 5-6 घंटे के लिए इसको रख देंगे। फिर इसको इसके बाद इसकी चटनी बनाएंगे, डोसा की चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए मूँगफली का दाना लेंगे, नारियल लेंगे, मिर्ची लेंगे, इमली लेंगे, इमली का पानी, इमली भी क्योंकि उसको। फिर देखिए पीस, सबको पीस लीजिए। फिर इसमें तड़का देंगे राई और कड़ी पत्ता। फिर उसके बाद सांभर बनाएंगे। सांभर दाल हमने पहले उबाल लिया है, उसमें प्याज टमाटर वगैरह डाल के उबाल दिए हैं। फिर तड़का लगाएंगे सांभर में, मेथी, सरसों, कड़ी पत्ता, जीरा, हींग, प्याज, सूखी लाल मिर्च, सब तड़का लगा के सांभर मसाला डाल के तड़का लगा के अच्छे से पका लेंगे। फिर उसका आलू बनाएंगे मसाला। आलू बनाने के लिए, आलू मसाला बनाने के लिए मिर्ची, प्याज, टमाटर सब अच्छे से फ्राई करके उसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। उसको भी अच्छे से नमक डाल के अच्छे से मिला देंगे और ऊपर से धनिया पत्ती डाल के उसको गार्निश कर देंगे। फिर देखिए डोसा का बैटर तैयार है। डोसा बनाएंगे, तवा को गरम कर लेंगे। फिर उस पर डोसा को फैला देंगे, बैटर को, और उस पर आलू का मसाला डालेंगे, प्याज कटी हुई डालेंगे, धनिया की पत्ती डालेंगे और फिर उसको अच्छे से उतार देंगे तवे से, और सांभर और चटनी के साथ सर्व कर देंगे। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है।